नमस्कार, वर इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात 50 मिनट तक चली। इस मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ सत्ता में है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की तस्वीर जारी की है। शरद पवार और पीएम मोदी की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अक्सर नाराजगी की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर की तैयारी तो नहीं है। हाल ही में खबरें आई थी कि शरद पवार को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की रणनीति पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। प्रशांत ने शरद पवार से भी मुलाकात की थी। हालांकि शरद पवार ने इन अटकलों को निराधार बताया था और प्रशांत किशोर संग हुई बैठक को गैर राजनीतिक बैठक करार दिया था। पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। शरद पवार और पीएम मोदी की इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दो दिन पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की थी। इसके बाद 16 जुलाई को शरद पवार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले थे। पीएम मोदी से इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं के मिलने की क्या वजह थी और इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।